वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाब दे गिद्दड़ विहा हल्के तो मौजूदा MLA ने अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग, उन्हां दी स्टेटमेंट मैं हुणे सुन रहा सीगा। उन्हां नूं जवाब दिंदिया मैं इस वीडियो राही बेनती कर रहा, पिछले दिनी गुरदास मान हुणा ने तीसरे सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज की जिहड़ी आ बराबरी तुलना मुराद शाह नाल कीती सी, जिहदे रोस वजो सिख संगतां ने उहदा विरोध कीता ते सिखां दीआं भावनावां भड़काउण दे दोष वजो उहते 295 ए दा परचा दर्ज होया है। ते अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हुणां ने कहा भी परचा जिहड़ा गलत होया ते मैं इस परचे की निखेधी करदा। राजा वड़िंग जी, तुसीं कहिंदे हो गुरदास मान ने पंजाब दा बहुत नाम रोशन कीता इसलिए उहते होए परचे की मैं निखेधी करदा। वड़िंग साहब, मेरा सवाल है तुहानूं कि पंजाब दे अंदर ही तुसी कांग्रेस दे विधायक हो, पंजाब अंदर ही जदों एक भाजपा दे MLA दे दरां अगे विरोध करदे आ, पंजाब दे किसानां ने गोहे दी ट्राली लाही सी, गोहे दा ढेर लाया सी, उदों उहनां नौजवानां ते परचा दर्ज होया सी, उहदे तुसी अज वांगू लाइव होए वीडियो पाई भी मैं इस परचे की निखेधी करदा, पंजाब दे किसान तां सब दा ढिड भरदे आ, भारत अंदर जिन्ने लोग रोटी खांदे आ ते सब तो वड्डे अनाज भंडार आ जिहड़े पंजाब दे किसानां ने भरे आ, ते उहनां पंजाब दे किसानां ते होए परचे की निखेधी करदा। मैं पिछले दिन चंडीगढ़ दे विच भाजपा दे लीडर दा विरोध करदे आ, परचे दर्ज होए, लाठीचार्ज होया, वीडियो आईआं, मीडिया सारा कुछ, तुसीं उह विरोध कीता, चंडीगढ़ प्रोटेस्ट शांतमई प्रोटेस्ट करन गए, किसानां ते परचा दर्ज होया, उहदी निखेधी करन लई वीडियो पाई तुसीं। अज गुरदास मान ते जी ने इन्नी घटिया बकवास कीती ते तुसीं अपनी वीडियो च कह रहे हो गुरदास मान ने कुछ भी गलत नहीं बोलिया, वह वीडियो है, जनतक है, दुनिया भर च वसदे लोकां ने सुनी आ कि तुहाडे कन्न बोले आ। शरे आम तो गुरदास मान कह रहा भी अंब की थां ते लोको अंब नहीं लगता हुंदा, सियाणे कहिंदे आ, पर आ वेखो करामात होई आ कि अंब की थां ते अंब लग गया। कहण दा उहदा भाव की सके भी जिहड़ी गल गुरु अमरदास पातशाह महाराज सी जिहड़ी कला उही कला मुराद शाह दे विच आ, एड्डी वड्डी गल कही उहने अंब की थां अंब लाउण दा मतलब उहदा इह सी भी तीसरे पातशाह गुरु अमरदास पातशाह दा रूप ही आ मुराद शाह। शरेआम उहने गल कही आ, तुसीं कह रहे हो कि उहने पहली गल तां गल कही नहीं, कही क्यों नहीं, सारी दुनिया ने सुनी आ तुसीं कह रहे हो। ते राजा वड़िंग जी, मुक्तसर साहब तुसीं रहिंदे हो, मुक्तसर साहब दे लागे सराए नागा इतिहासक नगर है, गुरु अंगद पातशाह महाराज का भरोसा आया जिथे प्रकाश होया सी पातशाह का, उस स्थान पर जाके गुरु अंगद पातशाह नूं याद करके ना तुसीं अपने अंदर झाती मारियो भी जिहड़ी गल गुरदास मान ने कही आ उह सही आ जां गलत आ। गुरु दे दर ते जाके पुछियो, अपनी जमीर नूं पुछियो तुसीं। अगली गल कह रहे हो गुरदास मान बड़ा निमाणा, बड़ी निम्रता वाला, बाणी दा इक फैसला, अपराधी दूणा ने वह ज्यों हंता मरगाहे, कहिंदे जिहड़ा पखंडी हुंदा ना अपराधी हुंदा, ज्यादा पैरी हथ लाउण दे खेखण करदा हुंदा, पखंड करदा हुंदा, जिवें अज्जकल हुण वोटां चलणगीआं, लीडर आ जिहड़े जणे खणे दे पैरां च डिगणगे, जवाकां दीआं नलियां पूंझणगे, जवाकां दे डैपर बदल तक जाणगे, की इह फिर लीडर हमदर्द हो जाणगे? गरीबां दे घरां च रोटियां खाण दा खेखण करदे आ, उह उह निमाणे हुंदे आ, निम्रता वाले हुंदे आ। अगली गल, जदों गुरदास मान ने भाजपा की जिहड़ी नीति आ हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उहते पहरा दिंदिआं पंजाबी की थां ते हिंदी नूं प्रमोट कीता सी, तां पंजाब प्रस्त पंजाब की मां बोली नूं प्यार करन वालिआं ने इहदा विरोध कीता सी, ते उदों गुरदास मान ने विदेश विच इक शो दे अंदर जिहड़े शांतमई प्रोटेस्ट कर रहे सी, बैनर फड़ के तख्तियां फड़ के, उहनां बारे घटिया शब्दावली वरती सी, ते उह शब्दावली हुण जे तुहाडे बारे कोई वरते, जिवें तुसीं हुण जिहड़ी गल कहणा, मैं इक शब्द कहना नहीं चाहुंदा, समझदा गई हो तुसीं, इस लई बिन मतलब तुसीं कह लो भी इह ना जिहड़ी लड़ाई आपदे गल पा रहे हो, सही परचा होया, गुरदास मान ने गलत बोलिया, सिखां दीआं भावनावां नूं भड़काया, ते जे तुसीं कहिंदे हो गुरदास मान ने कोई गलत नहीं बोलिया, इहो स्टेटमेंट तुसीं दिओ जिहड़ी गुरदास मान ने दित्ती आ, फिर तुहानूं पता लगू किहड़े भावे कदी आ। असल दे विच राजा वड़िंग जी, तुहानूं मूँह पिया होया, मैनूं तां लगदा तुहाडे अंदर पता नहीं किहड़ी गल दा फतूर आ, जदों तुहाडी MP दीआं चोणां सी, बड़ी सोहणी तुहाडी चोण मुहिम चल रही सीगी, ਤੁਸੀਂ ਬੁਢਲਾਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਂਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਵਿਹੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
कि इहनू माड़ा मोटा जदों तुहाडे पिंडां च आवे जिथे आपां किसानी नाल संबंधित सवाल करने आ, आह सवाल भी करने आ गुरदास मान की वीडियो चला लेनी आ, क्योंकि राजा बड़िंग जी कह रहे गुरदास मान ने पहली गल तां कोई गलत गल कही नहीं, शरेआम गुरदास मान कह रहा कि गुरु अमरदास पातशाह की वंश विचों आ। ठीक है, बहुत सियाने सियाने प्रचारकों ने गुरमत विच वंश की आ, नादी पुत्र की आ, बिंदी पुत्र की आ, एक्सप्लेन कर दिता, मैं उधर नहीं जाना चाहुंदा सारा कुछ। इसलिए अपने अंदर झाती मारो जिहड़ी गल, अच्छा अज तां तुसीं कह रहे हो भी गुरदास मान दे परचे इहो जिही निखेधी करदे, जे तुसीं ईमानदार सी ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ, ਭੁਲੇਖੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਫਤੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗਿੱਦੜ ਵੇਹਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।